जब एक नेताजी ने कहा कि सर कुंडा में कुंडी लगा देंगे या कुंडा को कुंडी बना देंगे, हम कहे धरती पे अभी कोई माई कला पैदा नहीं हुआ। जब बहुत हो गया सुनते सुनते तब इस बात से हम आज प्रक्रिया कर रहे हैं। कुंडा के लोगों यहाँ पर जो लगातार जीत रहे हैं उनके लिए तुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे, और ऐसी कुंडी लगाना कि दोबारा कुंडी न खोल पाए। वीडियो 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान का है। ये वो समय था जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बीच कुछ ठीक नहीं था। चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश ने प्रतापगढ़ के कुंडा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राजा भैया पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था, कुंडा के लोगों जो यहाँ पर लगातार जीत रहे हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे। वहीं राजा भैया ने भी अखिलेश की इस बात का जवाब चुनावी मंच से ही दिया था। उन्होंने कहा था, धरती पर अभी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो कुंडा में कुंडी लगा दे। वहीं पत्रकारों ने जब अखिलेश से राजा भैया को लेकर सवाल पूछा था तो उन्होंने राजा भैया को पहचानने से इनकार कर दिया था। राजा भैया से इतनी नाराजगी क्यों है? ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? कौन ले नाम ले रहे हो? ये कौन है? कौन नहीं है? ये कहानी 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव की थी। अब कहानी बदल गई है। अब कुंडा में कुंडी लगाने की बात करने वाले अखिलेश यादव पिघल गए हैं। दरअसल यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए सपा और बीजेपी दोनों पार्टियां राजा भैया से संपर्क कर रही हैं। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया से मुलाकात भी कर ली है, जिसकी तस्वीर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से पोस्ट की है। दोनों नेता एक साथ बैठे बातें करते नजर आ रहे हैं। वहीं इस पोस्ट के बाद अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी राजा भैया के साथ आने को लेकर बयान दिया है। सुनिए राजा भैया के सवाल पर अखिलेश ने क्या जवाब दिया है। राजा भैया को लेकर क्या कह रहे हैं? गठबंधन में कह तो दिया, तुमने सुना नहीं, जितने गठबंधन दल हैं उन सबको बीजेपी ने कहा है कि आपके दो दो मंत्री बनेंगे। अब बताइए कैसे मंत्री बनेंगे सर? तो जो मंत्री नहीं बनेंगे वो नाराज होंगे, उन सबका सहयोग समाजवादी पार्टी लेगी। अब अखिलेश यादव के इस बयान के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जो दुश्मनी दोनों के बीच शुरू हुई थी वो अब इस राज्यसभा चुनाव में खत्म हो जाएगी। वहीं बीजेपी भी लगातार राजा भैया से संपर्क कर रही है। खबर है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जनसत्ता दल के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह के घर उनसे मिलने पहुंचे थे। वर्तमान में राजा भैया की पार्टी के पास दो विधायक हैं। सपा और बीजेपी दोनों विधायकों को अपने पाले में लाना चाहती है। वहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि राजा भैया किसका साथ देते हैं।